मैनू ये लगता कि इस बार जी कांग्रेस सरकार आई है जी इन्हां दे अंदर पता नहीं किन्नी हवस ते भुख है पैसे की। फेयर एस्टीमेट नाल 60% राशन ये खा गए हैं, डकार गए हैं। फिर जिहड़ा बंदा कोलों पैसे लगा रहा वो तुहानूं लगता इदां दी करप्शन कर सकदा? क्या कोई बिल्डिंग प्राइवेट पैसों नाल गवर्नमेंट ते बना सकदा? क्या उहदी कोई परमिशन ली गई? क्या मैं प्राइवेट पैसे खर्च कर रख लवां? जिहड़े मंडी दी फीसां दी चोरी, मंडी ते गुंडा फंड फड़ी वालियां तों सारियां तों लैणा, मंडी ते साइकिल स्टैंड दा ठेका अपने चहेते नूं देना, उही चहेता जिहड़ा विच बैठ के रौला पै रिहा है, टैलीफोन ते आवाज़ आ रही है की नाम है राजा जी, उह आवास राजा जी कि बीजे तुसीं बड़ी सिधांत की गल करदे हो, सुत्ते क्यों पए हो? पंजाब दे लीडर है, पंजाब दे मंत्री हैं, सोम प्रकाश जी क्यों सुत्ते पए हैं? क्यों नहीं इस इशू नूं जब पब्लिक डोमेन च आया हो ते एक्शन लैंदे? जनहितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है, जन जन की बात जनहितैषी के साथ। दोस्तों आए दिन कांग्रेस पार्टी ते आरोप लग रहे हैं कि ये घपलियां दी सरकार है, बड़ी देर तो आरोप लग रहे हैं और पिछले कुछ टाइम तो ऐं लगता है कि सारे ने मिल के कांग्रेस के लोकल मिनिस्टर ते उन्होंने जिहड़े जिन्ने भी मैंबर हैगे आ उन्होंने डेजिग्नेटरी हैगे उन्होंने जिहड़ा हैगा केंद्र बना लिया कि इन्हां ते आरोप ते आरोप आरोप ते आरोप। पर कांग जिहड़े अलग अलग पार्टियां वालों वख-वख पार्टियां वालों जिहड़े आरोप सीगे किते ना किते ये उदों इहदे विच कुछ अहमियत नज़र आने लग पई या प्रमाणित होने लग पे जदों सडनली लुधियाना मार्केट कमेटी के जिहड़े चेयरमैन है ते जिहड़ा उत्थे दे सैकटरी हैगे है उहनां दी इक ऑडियो वायरल हो गई। हालांकि इस ऑडियो ते साफ स्पष्ट जिहड़ी आ आवाज़ां सुनिया जा रही हैं किदा जी उपरली कमाई है जी कि कह लो सरकार नू चूना लगाया जा रहा है, कलैक्शन ज़्यादा हो रही है, सरकारी रेवन्यू घट जा रहा है, तो ये सारे बारे असी एक जानन आए हैं जिहड़े एक्सपर्ट रहे हैं, अकाली दल दे सीनियर लीडर है, एक्स पार्लीमेंटरी सैकटरी है, प्लस वकालत दे विच भी वकालत करके भी उन्होंने एक अपना ही रुतबा हैगा हरीश राय टांडा जी नाल। आओ गलबात करते हैं कि सर की मामला हैगा कि वाकई इन्नी ठगी पॉसिबल हैगी उत्थे? मैनू ये लगता कि इस बार जी कांग्रेस सरकार आई है जी इन्हां दे अंदर पता नहीं किन्नी हवस ते भुख है पैसे दी जी कि पेंडेमिक दे विच राशन खा गए सारा जी। ये तां तुसीं कई जगह ते बैग्स रिकवर भी होए हैं जी ते आपसी मित्रता चलदे सिर्फ उन्हां नाल बंडे जिवें बैंस ब्रदर्स नूं आशू जी ने बैग भेजते सारे उन्होंने थैले बदल के अपने बना बना दिते। फेयर एस्टीमेट नाल 60% राशन ये खा गए हैं, डकार गए हैं। ठीक है जी। जिन्हें भी इनू पोर्ट करन दे ठेके दिते हैं राशन नूं पहुँचाने लई राशन डिपुआ ते वह भी बिना टेंडर तक्का ते सच्चाई ये है असलियत कि कोई महकमे नूं हाथ ला लो फुल ऑफ करप्शन। हुण मंडी का तो कमाल ही हो गई जी, अगे बड़िया फार्म उड़दिया सी कि जेडे चेयरमैन साहब लाए हैं ये क्यों लगा दते, इन्हों का कोई लंबा चौड़ा आधार नहीं सगा, एक कॉलोनाइजर है। अच्छा। कॉलोनाइजर के तौर पर भी इन्हें बड़े सवाल उठते हैं कि इन्होंने सरकारी जगह पर कब्जे करके गऊशाला का बोर्ड ला के कब्जे किए हुए हैं, बिल्डिंग बनाई हुई है, वो जगह के एजेक्टमेंट ऑर्डर होए हुए हैं, वो SDM के फाइल दबी बैठे हैं, उन्होंने कब्जा नहीं लेंदी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, या कहिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो लेंदे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जोड़ा SDM का दफ्तर वो इशू ही नहीं करता पोजैशन के नोटिस। ये हमने गल्ला होनी पर सर तुसी ये कह रहे हो कि असी तो यह भी सुनिया सी मार्केट कमेटी के चेयरमैन मिलन का एक अद्धी वारी मौका मिलिया सी उत्थे तो वह तो क्लेम करते मैं अपने पैसे लगा के सरकारी दफ्तर इन्ना वधिया बनाता है इन्ना आलीशान कि लुधियाने च मैनूं लगता नहीं कि उन्ना कोई वधिया सरकारी दफ्तर होगा। फिर जिहड़ा बंदा कोलों पैसे लगा रहा वो तुहानूं लगता इदां दी करप्शन कर सकदा? कोलों पैसे कादे ते लगाते दफ्तर बनाता इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वधिया। क्या कोई बिल्डिंग प्राइवेट पैसों नाल गवर्नमेंट ते बना सकदा? क्या उहदी कोई परमिशन ली गई? क्या मैं प्राइवेट पैसे खर्च कर रख लवां?
ठीक है, क्योंकि वह सरकारी खर्च नहीं होया तो यही कहे प्राइवेट पैसे हैं। उन्होंने कहो कि अपने किड़े बैंक के खाते के उन्होंने पैसे दते हैं दिखा, उन्होंने तो कार भी ली हुई है, मैं पता लगे सरकार वालों मिलती हुई है जो चेयरमैन बने बोर्ड, वो भी उन्होंने परसनल पैसों की कार है, वह भी सरकार की नहीं है। तो परसनल पैसे किड़े हैं? परसनल पैसे वो हैं जिड़े मंडी की फीसा की चोरी, मंडी ते गुंडा फंड फड़ी वालियां तो सारियां तो लेना, मंडी ते साइकिल स्टैंड का ठेका अपने चहेते नू देना, उही चहेता जिहड़ा बिच बैठ के रौला पै रहा है, टैलीफोन ते आवाज़ आ रही है की नाम है राजा जी, वह आवास राजा जी, मतलब लानत है। इन्हें तो सरकार चुप बैठी है, ये पब्लिक डोमेन च आ गया, तुसी इन्हां नू पब्लिक डोमेन दे विच इन्हां दी कन्वर्सेशन भेज दित्ती। हुण तक तो बिजनेस डिपार्टमेंट नू केस रजिस्टर करके इन्हां फड़ लेना चाहिए सी। किस किस्म की सरकार है ये? जे कोई पीड़ित है औरत उहदे ते FIR नहीं होनी क्योंकि दूजे पासे MLA है, जे राशन खा गए तो मंत्री है उहदे ते एक्शन नहीं लेना, हुण इहदे ते एक्शन नहीं लेना क्योंकि इन्हां दा अपॉइंटेड चेयरमैन है। सर वकीलां मामले च भी कुछ नहीं होया हजे तक? हाँ, वकीलों के मामले च भी वह वकीलों नू शरेआम कुटिया है, कोर्ट वालों ऑर्डर कराए कि उन्हां दी CCTV फुटेज सिक्योर की जाए, जवाब आया उस टाइम बंद सी, बंद नहीं सी, बंद किया गया सी। ये एविडेंस फेस करन दा क्यों नहीं केस सिस्टर हुंदा, क्यों नहीं कमिश्नर साहब स्ट्रेट वे ऑर्डर जाहिर करते कि जिहड़े भी पुलिसकर्मी सी उन्होंने उत्ते केस सिस्टर होना चाहिए कि तुसी एविडेंस खत्म किया फेस किया एविडेंस। बड़ी दुखदाई गल है, मैनू तो यह लगता है संदीप जी सरकार ही है नहीं, ये तो सरकार ठेके ते गुंडियां नू देती कि पंजाब नू लुट लो। 7 MLA दे मंत्री दे MP दे खिलाफ ED ने रेगुलर इंक्वायरी कट के नोटिस जारी किए, किस लिए? अवैध शराब बेच के पैसे कमाने लिए। एंड किन्ने जोरावर हैं, पैसे का इन्हां ते किन्ना कमंड है कि वह सारी की सारी इंक्वायरी इतों जलंधरों शिफ्ट करा के दिल्ली चलेगी, मतलब के ठंडे बस्ते च पाती। इन्नी अप्रोच हैगी इन्हां दी? बिल्कुल है अप्रोच। मैं तो सवाल करता BJP सरकार को कि BJP तुसी बड़ी सिद्धांत की गल करते हो, सुत्ते क्यों पे हो? पंजाब के लीडर हैं, पंजाब के मंत्री हैं सोम प्रकाश जी, क्यों सुत्ते पे हैं? क्यों नहीं इस इशू नू जब पब्लिक डोमेन च आया हो तो एक्शन लेंदे? जवाब देन के क्यों ट्रांसफर की पंजाब तो रंजन सिंह तो जिहड़े ईमानदार छवि वाले अफसर हैं उन्हां तो लैके दिल्ली क्यों ट्रांसफर की है? 26 होर MLA का रेता घोटाला, बजरी घोटाले का ED कोल चल रहा है, क्यों नहीं उन्हें पब्लिक डोमेन च लियांदे? क्यों नहीं वाइट पेपर जारी करते कि की है? ये पूरी दी पूरी स्कैम्स की सरकार है, कांग्रेस सरकार नहीं है। सर जे मैं गल करा कि अज तक असी सुनिया जरूर सी लोकल लुधियाना मार्केट कमेटी च हल्का फुल्का कि कुछ उपर थले होंगे फीसा च कोई ढाला होंगे, पर एक कन्वरसेशन निकलन तो बाद साड़िया भी अखा खुल गई कि शायद कन्वरसेशन सुनी होनी किन्ना किन्ना रोज़ की कलैक्शन है, जबकि सरकारी खजाने कुछ जा नहीं रहा। पहली गल ये दसो कि वाकई इन्नी कलैक्शन हैगी भी है कि एवं वाकई किसी ने सेंसेशन करने लिए उड़ाती है? ये तो कन्फेशनल स्टेटमेंट है सैकटरी की आवास राजा जी की जी, लड्डू प्रधान जी की जी, तिना की कन्फेशनल स्टेटमेंट है कि कितना पैसा इकट्ठा होंगे तो कितना दिखाया जाता है। तो जिहड़े लड्डू जी के वाकफकार बंदे हैं वो तो यह कहते हैं लड्डू जी ने कमाल करती, उन्होंने 30,000 तो बधा के 80,000 ते लै गए। फिर जब लड्डू जी को पता लग गया कि 30,000 तो 50,000 बध गया है, इहदा मतलब करप्शन है, क्यों नहीं उन्होंने कंप्लेंट की? क्यों बैठ के बंद कमरे च डिस्कशन कर रहे हैं? ये तो चोर रल के पंड मंडदे हैं, पंड मंडदियां दी लड़ाई है। नहीं पर उत्थे असी एक दो बारी गए हैं, वह तो यह भी क्लेम करते असी तो इत्थे जिहड़ी पार्किंग दी चार्जेस वगैरह से असी तो पब्लिक डोमेन च लिया के वह भी सारी खत्म करती कि जिहड़ा मर्जी बंदा आवे। जे एक बंदा इन्नी चंगे काम कर रहा होवे, यह भी तो हो सकता है किसी दुश्मन ने जानबूझ के कोई कॉन्सपिरेंसी करके इदा दी चीज़ा कीतियां है, तो दुश्मन ने कीती है भी कॉन्सपीरेसी कि इन्हों के बंद कमरे की जी गलबात है वो सोफे नीचे माइक रख के रिकॉर्ड करके पब्लिक डोमेन च पाती, किता तो काम दुश्मन नहीं है, पर दुश्मन ने इन का चेहरा दिखाता, इन्ह के मूँह तो नकाब ला के इन्ह का नंग पब्लिक नू जाहर कर दिता। सर जे किया जाए तो दर्शन लड्डू जी जिवें तुसी भी किया, इन्हों का इन्ना वड्डा कोई बैकग्राउंड भी नहीं सी और एड्डी इंपॉर्टेंट सीट पर लगा दिता जाना, ये कौन इन्हों पिछे कौन है जिहड़ा इन्हों का गॉडफादर कौन है? ये तो हुण किनू पुछिए, हुण किहदे कोल रोईए जा के? कांग्रेस दे विच कोई तां होएगा ना सीनियर लीडर जिहदी छत्र छाया होएगी डायरेक्ट इन्हां ते? अली बाबा ते 40 चोर किनू किनू कहीए, एक एक ते नाम ते आंदा। मैं तां सिक्खी साहब नूं मैं सोचदा सी कि वह बड़े धार्मिक विचारां दे हैं,
वो जद उत्थे मौतां होईयां 125 उहदे विच नाम लै के सिक्की जी दा आया। हुण एक कांग्रेस लीडर इन्हां दी नेड़ता रखण वाला उहदे कोलों फैक्टरी फड़ी गई, शराब फड़ी गई। हुण तां ऐ लगदा कि किहदे ते विश्वास करिए। तां ही मैं कहा कि अली बाबा 40 चोर किहनूं माड़ा कहीए। सर जे गल करिए, एक चीज़ तुहाडे नाल गल करनी चाहवांगा। हर वारी तुसीं एडवोकेट भी हो, वैसे गल्लां च हमेशा तुसीं तुहाडे तों असीं सानूं लगदा नहीं कि असीं जित पावांगे, पर आपां हर वारी उठदे हैं मंत्री साहब ते आपां एलीगेशन लगा दिंदे हैं, तुहाडी कोई कन्वर्सेशन होंदी स्टार्ट उत्थों होंदी है और धड़ाधड़ तुसीं शुरू हो जांदे हो। मैनूं इह दस्सो कि तुसीं भी इस सीट ते इसे कॉन्स्टिट्यूएंसी दे विच एरिया दे विच रहे हो, संसदीय सचिव रहे हो। जे आपां गल करिए कि तुसीं उस टाइम ते ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਨੰਬਰ 2 ਉਪਲਬਧੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ। ਨੰਬਰ 3 ਉਪਲਬਧੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਿਵੇਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। 4th ਉਪਲਬਧੀ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਚਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਟਾਈਲਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਟਾਈਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਟਾਈਲ ਆ ਕੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਲ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ। ਸੇਮ ਟਾਈਲ ਦਾ ਮੁੱਧ ਅੱਧਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਿਗਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫੰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੂੰ ਆਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਕਰ ਲਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦੀ ਸਚਿਵ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਾਊਂਸਲਰ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬੈਟਸਮੈਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਕੁਸਚਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡੀਂਗ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਉੜ ਜਾਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਰਟੇਬਲ ਵਾਟਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਊ? ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਵਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਅਤੇ ਈਵਨ ਗਾਰਬੇਜ ਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ? ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਤੋਂ ਤੋਹਫ਼ਾ ਗਿਰਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਲਓ ਅਤੇ ਖਾ ਲਓ। ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਉਲਟਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਵੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਲੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਕਹੀਏ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ। ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਵੀ MLA ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਇਹ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਆ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਾਟਰ ਵੇਸਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਪਾਵਾਂ ਨਾ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ? ਕਦ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਗੇ? ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ? ਕਿਉਂ ਅਨਟ੍ਰੀਟਡ ਵਾਟਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਡੈਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟ? ਵਾਏ? ਕੌਣ ਰੱਖੂਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੇਸਟ? ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੇਸਟ ਐਫਲੂਐਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ 'ਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਰਾਈ ਪਿਆ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੈ? ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਲੇਜ ਨਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਲੇਜ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਸਲੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟਸ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਕੰਸਰਨਡ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕਰਨ,
सो एवें मूँह कहना कुछ तो करना कुछ यदा कोई फायदा नहीं है। ये कोई इन नीयत नहीं है। ये बुढ़े नाले का लेयर वैली बनाती सराभा नगर मार्केट एरिए इन्ना वधिया बना रहे हैं, फिर कुछ कॉलेजेस लिया रहे हैं, पहले एक अज तक गौरमेंट कॉलेज सगा हूँ एक नवा गौरमेंट कॉलेज बन रहा, उन्होंने भी तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी चीज़ है कि नवा गौरमेंट कॉलेज आया, मैं तारीफ करना चाहना जे नवा कॉलेज आऊगा अच्छी गल होगी, पर जो पहला कॉलेज है वह टीचर्स तो चैक कर लो किन्ने लैक्चरर शॉर्ट हैं, किन्ने गेस्ट फैकल्टी हैं। 150 के करीब दोनों गवर्नमेंट कॉलेज साडे मुंडे कुड़ियां दे लैक्चरर की स्ट्रेंथ है, जिदे विच 35 कैं परमानेंट, बाकी सारे टैंपरेरी या गेस्ट स्टाफ। पढ़ाने वाला कौन है? मैंने तो एक गल दसो, नवे कॉलेज की बिल्डिंग खोलन फिर दो, इन सवेर तो रात तक चला दो, वट इज़ द प्रॉब्लम? एक BA दी ते BCOM दी जिहदे च लैब नहीं कुछ नहीं खर्चे नहीं, कम से कम वो तो गरीबों नूं राहत दे दो कि सस्ते पाते साधारण फीसां ते लोकी पढ़ लैन, उहदे भी वह प्राइवेट स्कूलों ते प्राइवेट कॉलेजों के मरदे ना फिरन। ये कहना पखंड करना इहदा कोई फायदा नहीं। मैनू दस देन कि आटा दाल क्यों नहीं दे रहे, जद दी सरकार आई है ये टैलीफोन देन दीआं गल्लां करदिआं लुभाण दीआं घर घर नौकरी दीआं गल्लां कीतीआं, कित्थे गईआं घर घर नौकरियां? ये क्यों लोगों नूं शगन स्कीम दे पैसे नहीं दिंदे? वाए क्यों नहीं दित्ते? क्यों इन्हां ने स्कॉलरशिप दे पैसे खाधे शड्यूल कास्ट भरावां दे बच्चिआं दे? क्यों? उहदा जवाब देन। एक गल्ला अमीर एक जिहड़ी गल नूं करना उहनूं डिस्टॉर्ट करके दूजे पासे लै जाणा। सानूं कोई लेयर वैली नहीं चाहीदी, सानूं कख नहीं चाहीदा, सानूं अफोर्डेबल एजुकेशन अफोर्डेबल हैल्थ देन। उहदे लई की ब्यौंत कीती है? सिविल हस्पतालों थोड़े डॉक्टर है नहीं, कितने दवाइया है नहीं, थोड़े कॉलेजेस दे विच टीचर है नहीं, स्कूलों च टीचर है नहीं। अज दे माहौल है कि जिहड़ा स्कूल हुण खोले आ पेंडेमिक दे बाद, हाई स्कूलों दे विच प्राइमरी दे टीचर्स नूं बुला के पढ़ाया जा रहा, कद चेंज करनगे? क्यों क्यों नहीं नवी इंप्लॉयमेंट की है सरकार ने? किन्नियां असामियां खाली हो गई टीचर्स दीआं डॉक्टर दीआं, जवाब देन। सिर्फ लिया के कारपोरेशन ठेके वाले भरन लगे हुए पैसे लैके, हुण भी मैं तो कल एक बंदा दस रहा सेगा कि लख लख रुपया मंगया जा रहा, लियाओ थानू कच्चे रखा दिए कारपोरेशन दे विच, रब दे वास्ते लुट बंद कर दिओ, लोग थोड़े वल देख रहे हैं, साल डेढ़ साल रह गया, वो हाल करना ना लोगों ने थोड़े नाल, जिहड़ा याद रखोगे। तो दोस्तों ये सी हरीश राय टांडा जी, इदां ही अलग अलग मुद्दे ते इहनां नाल होर वी राय लैंदे रहांगे, देखते रहो, बने रहो जन हितैषी, धन्यवाद।